साहब ने आठवां ईडी का समन जो है वो भी बना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जहां तक कोर्ट का सवाल है, पहले कोर्ट का क्या निर्णय आता है वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि राहुल दावनी कोर्ट में केस चल रहा है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। संदीप पाठके साहब, नहीं, ये लगातार पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि बीजेपी की जो टैक्टिक्स है वो कैसे भी करके इंडिया गठबंधन को तोड़ने की है, और इंडिया गठबंधन के साथ में जो जो पार्टियां आ रही है वो सभी पार्टियां तोड़ने की। अरविंद जी ने विधानसभा के सत्र के टाइम पे जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उन्होंने ये किया, मेजोरिटी बताई, तो उसी समय उन्होंने यही कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 MLAs को अप्रोच किया है, उनको 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया है, उनको बोला है कि आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले आए और साथ में अपने साथियों को भी लाए। तो बीजेपी का शुरुआत से यही इंटेंशन रहा है कि आम आदमी पार्टी कैसे भी करके तोड़ दी जाए, और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इक्वेशन बन रहा था, जैसे हम दिल्ली देखेंगे तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के पहले वहां पे कांग्रेस की सत्ता थी, अगर आप पंजाब देखोगे तो आम आदमी पार्टी के पहले वहां पे पंजाब में कांग्रेस की सत्ता थी, तो वो दोनों स्टेट जो है वो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी।